डोमरी स्थित आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय एवं बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल में नवरात्र एवं दशहरा उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सर्वप्रथम प्रबंधक डॉक्टर जयशीला पांडे तथा महाविद्यालय की निदेशिका प्रोफेसर कल्पलता पांडे, पूर्व कुलपति जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बनिया उत्तर प्रदेश प्राचार्य डॉक्टर जयशंकर मिश्र ने माँ दुर्गा के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। महाविद्यालय की छात्राओं द्वारा कुलगीत तथा विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा भजन की प्रस्तुति की गई। बीकॉम की छात्रा हर्षिता दुबे ने नवरात्र के 9 दिनों के महत्व के बारे में बताया। विद्यालय के गन्ने मिलने बच्चों ने मनमोहक नृत्य तथा महाविद्यालय की छात्राओं द्वारा डांडिया नृत्य प्रस्तुत किया। प्रोफेसर कल्पलता पांडे ने या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्य ही नमस्तस्य ही नमस्तस्य ही नमो नमो मंत्र से अपने बात की शुरुआत करते हुए बताया कि कैसे माता ने महिषासुर का वध कर सबकी रक्षा की। उन्होंने नवरात्र के 9 दिन माता स्वरूप के पूजा महत्व के बारे में विस्तृत रूप से उपस्थित लोगों को बताया। कुलगीत की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी संस्था की उन्नति में कुलगीत का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा प्रस्तुत नृत्य तथा छात्राओं द्वारा प्रस्तुत डांडिया नृत्य की उन्होंने प्रशंसा की। नवरात्र एवं दशहरा की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ उन्होंने अपनी बात को समाप्त किया। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर विजय शंकर मिश्र ने कार्यक्रम का धन्यवाद ज्ञापन किया। कार्यक्रम का संचालन महाविद्यालय की शिक्षिका दिव्या सिंह ने किया। संगीत व्यवस्था संगीत शिक्षण हरेंद्र पांडे तथा दीपक मिश्रा ने किया। कार्यक्रम में विद्यालय के निदेशक मुकुल पांडे, डॉक्टर अरुण कुमार दुबे, डॉक्टर रजनी श्रीवास्तव, डॉक्टर रचिता सिंह, सुरभि पांडे, सूर्य मिश्रा, किरण शर्मा, विनीता जेटली, पीयूष दुबे, कमलेश सिंह, राजीव संतोष तिवारी, सोनू सेठ, जया तिवारी, श्रीमती अंकिता, अनिता पांडे, चंद्रदीप सिंह, डॉक्टर अभिजीत आदि शिक्षक शिक्षिकाएं।